राम राम जी भाई सभी को। भाई आज आप अपने ब्लॉग में दिखाते हैं दिल्ली एनसीआर की जो सबसे बढ़िया जो मतलब मुझे चुनिंदा जो खाने पीने के बचपन में शौकीन है जो सॉरी जो दिल्ली एनसीआर की सबसे फेमस मतलब बिरयानी है ना जो मुझे टेस्ट लगे है सबसे बढ़िया वे उनमें से दो चार ही है। उनमें से एक जगह है यार दादरी में। दादरी में हमने बहुत समय रहे हैं तो दादरी में ही है प्याज चिकन बिरयानी करके उसका है बहुत बढ़िया टेस्ट रहे इनका। लगावे तो बेचारे ठेली पे है लेकिन पिछले 20-25 सालों से लगा रहे हैं। 20 साल से तो मैं आ रहा हूँ उनके पास में। अलग ही टेस्ट है अलग ही स्वाद है बिल्कुल। आज दिखाते हैं आप दादरी की बिल्कुल फेमस दिल्ली एनसीआर की चार पांच बिरयानी है जो मैं उंगली पे गिनवा दूंगा। यहाँ पे सेट सेट सबके ब्लॉग बनाएंगे तो पहला ब्लॉग भैया प्याज का है। देखो चिकन बिरयानी उनकी जो जबरदस्त। देखो जी भाई ये दादरी की फेमस जिसके बारे में बता रहे हैं हमें सबसे बढ़िया बिरयानी बना दादरी में। ये देखिए भाई बिरयानी खोल के बिल्कुल देखो जबरदस्त चीज है। ताजी गोश्त है सारा चिकन ताजी है। 15-20 साल से खा रहे हैं हम कम से कम। जो पहले तो भाई लगा कर रहे फिर बीच में इनके भैया आ गए शाहरुख। हाँ फिर दोबारा भाई आ गए। तुमने अमित लगाई हरचंद के बाग के धोरे वहाँ क्यों बंद कर दी इससे देखिए कोरमा ये भी जबरदस्त आइटम है ग्रेवी एकदम। ये देखो कोरमा के पीस जो है लगाओ एक प्लेट लगाओ। जो ग्रेटर नोएडा में खाई ना मैं बुराई कर रहा हूँ मैं तारीफ कर रहा हूँ दादरी में यार सिकंदराबाद मास मोहम्मद है तो दादरी में ये है मास मोहम्मद की भी दिखाएंगे खाई ना वहाँ पे। इस बढ़िया कह रहे भाई गोल्ड सारे ब्लैक कपड़ा कितने वाले लगा रहे हो तुम 50 रुपए की कितने करो आधे किलो कर दो। हाँ हाँ 100 की कर दो ब्लैक भी कह रही हो 100 रुपए की आधी किलो दे रहे यानी 200 रुपया किलो। हरी मिर्च डाल दो और हरी मिर्च घेर दो और मसाला डाल दियो ये भुनी हुई प्याज भी थोड़ी कमी गे रही हो ज्यादा ना बदलाओ जी आगे हमारी तैयार होके लाजवाब स्वाद रहे बिरयानी को खा कर दिखाने क्या है कि खा तो रही है पिछले 20 साल से एकदम टेस्टी रहे। कोई भी कोई भाई जो दादरी के आसपास में रहता हो ना ट्राई करके देखे। ये देखो डिग्री कॉलेज से थोड़ी सी पहले है अब भागमल की कोठी के सामने तो ले लिए भाई बिरयानी लगा तो भाई ठेली पे ही है पर मतलब बिरयानी जो है ना जो इनको छोटा भाई शाहरुख उससे पूछे बिरयानी बनाओ कौन है उसने बताया कि मेरी अम्मी बना कर रहे और बाद में यूँ करा अब हम भी सीख गए बनाना। ये भैया जो अभी मिला ना ये पहले कोई अब से 10 साल पहले यू लगा कर रहे आज के और इसके अब्बू रह रहे उसके बाद फिर इसका छोटा भाई है शाहरुख वो लगा लगाओ काफी टाइम से अभी पता ना कुछ महीनों से है ना आज के पता ना मैंने कहीं और से आज काम शुरू कर दिया है और ये भैया आज का लगा रहे हैं मतलब ये लगा हुआ है अपना 11-12 बजे से 3 बजे तक इनका खत्म हो जाओ हम लोग। दादरी में मतलब बिरयानी लगा हुआ तो बहुत है बहुत ठेली है दादरी में उधर रेल रोड पे भी लगे इधर जीटी रोड पे भी लेकिन इससे बढ़िया और इससे अच्छी बिरयानी बिल्कुल फ्रेश एकदम बढ़िया सब तरीका से इससे कोई ना बनाता लगे पड़े है आते रहे भैया के दूर है यू भैया की ठेली है देखो ऐसे या तरीका से ये हमारे गांव की इनकी दुकान है सामने गांव के क्या परिवार की है भैया उनकी है भतीजो बैठे है इस पे उधर गुजर कॉलोनी आ गए गुजर कॉलोनी के सामने
ये दोनों भागमल की कोठी है, यूवर हूँ, इसके ठीक सामने लगा हुए हैं जीट रोड पे, सिकंदराबाद से आवे है ना जब, तो ये आपके उल्टे हाथ में पड़ेगी। यहाँ जगह देखो कुछ ये शॉप भी है, हबीब मीट शॉप, और यहाँ जगह एक भी लगा कर पहले ये अब्दुल करीम, इनको भी दिखाऊंगा इनको मैं भी लोग, ये है ना ठीक अब्दुल करीम, ये बहुत अच्छे बनाया हुआ है, लेकिन इसके बगल में भी खुला होगा, इन नकली है उसमें मत जाइए, बेकार है। अब्दुल करीम जो है ना, अब्दुल करीम चाचा का जो है ये सामने, ये है बेहतरीन मामला, ये रहा अब्दुल करीम मलिक रेस्टोरेंट, इनको रेस्टोरेंट भी इधर बगल में, और ये बना हुआ बढ़िया है, और इसके बगल में दूसरा खोल रखो एक करीम नाम से, ये कोई अल करीम, अल करीम चिकन फ्राई, उस पर कभी मत जाइए, वो एकदम बेकार बना हुआ है, बेकार बना, बिहेवियर भी गलत है वहाँ का, तो जब भी कभी आओ तो अब्दुल करीम पर इस पे फियाज, फियाज चिकन बिरयानी चिकन कौरमा, और शाम के टाइम अब्दुल करीम ये दे, शाम के टाइम ये चिकन फ्राई दे हुए और चिकन सिक्को आप दे हुए और फिश फ्राई दे जार्डन में, बहुत बढ़िया बोनलेस वाली, तो कभी हो शाम के इनका भी ब्लॉग